बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोफिया फैसल। खुश आमदीद कहती हूं आपको आपके पसंदीदा शो रिवायतों की लज्जत। रिवायतों की लज्जत यानी खानों की लज्जत, यानी वो खाना जिसका ताल्लुक किसी ना किसी इलाके या कम्युनिटी से होता है, वो जायके जो हमारे अम्मियों के हाथों में हुआ करते थे और जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, और हम किस तरह से उन जायकों को अपने दस्तरखान की रौनक बना सकते हैं। कोई भी हम ऐसा खाना खाते हैं जो किसी रेस्टोरेंट की जान होता है, उसका ताल्लुक किसी न किसी मखसूस इलाके से होता है, और जब हम चाहते हैं कि उसे हम बनाएं तो वो बनता ही नहीं हमसे। क्यों नहीं बनता, क्या मसाइल होते हैं, और फिर जब हमें वो खाने का दिल चाहता है तो या तो हमें उतना दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है या तो फिर बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद से वो बना नहीं सकते, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। तो क्या मिसिंग हो जाता है, अपने इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं, और किस तरह से बताते हैं, टैलेंटेड एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जिनका ताल्लुक उन इलाकों से होता है, वो वहाँ से आते हैं हमारे इस किचन में, वो रेसिपीज़ बनाते हैं और आपके और हमारे किचन की रौनक होती है उससे। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज की हमारी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इरज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इरज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इरज, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। वेरी नाइस। तो आज हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं? आज हमारे किचन में बन रहा है, आपके किचन में बन रहा है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी डिश है, मेमनी डिश है, स्नैक्स के तौर पे खाई जाती है, बाजरे के कबाब। वाओ, जबरदस्त। मैंने तो ये खाई है और जिसने खाई है उसको पता ही होगा बहुत यम्मी होती है, कितने ही मजे के होते हैं। एक बार इसका जो जायका जबान पे लग जाए ना तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले? एक बाउल ले लेते हैं सबसे पहले तो, बिकॉज इसकी हमें मैरिनेशन बनानी होगी। ठीक है, इसके लिए कीमा है हमारे पास। ठीक है, कीमा आई गेस पीछे रखा हुआ है। ओके, कीमा ले लिया है हमने। कितना लिए? कीमा मैंने 375 ग्राम बोला था, क्योंकि हम कीमा ज्यादा लेते हैं बाजरे के आटे से। मैं ग्लव्स ले लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मेरे नेल्स हैं और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, जरूरी है, सफाई के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। घर के खाने जो घर में खाए और बनाए ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो साफ सुथरे होते हैं, बाहर हमें नहीं पता होता कि किस तरह से खाना बन रहा होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर कीमा ले लिया। बीफ का मैंने सही है, बीफ या हम चिकन में भी बना सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम चिकन में बना लें, क्योंकि गलने में टाइम लगता है। गलने में तो इसको टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डीप फ्राई होते हैं, राइट? या बट ये हाथ का कुटावा है ना, बिल्कुल मिंस वाला नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा तो लगता है। लेकिन इसका जायका जो है वो जो बीफ में आता है वो बहुत ही अमोद है, नहीं आ सकता। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैं ये करती हूँ कि पहले हम जब कीमे में स्पाइसेस मिला देंगे ना, बाद में आटा और ये चीज़ें डालेंगे तो कीमे में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके स्पाइसेस। ठीक है, डन हो गया। तो मैं इसमें टी स्पून दे रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर पहले धनिया पाउडर, ये कुटावा धनिया है। ठीक है, ये 1 टीस्पून कुटावा धनिया, इसमें मसाले सही तरीके से जाते हैं। ये रेसिपी है मेरी खाला बिलोंग करती है मेमन फैमिली से, तो उनकी सास की, तो उन्होंने कहा था बेटा सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से डालना, जितना चटखारा तुम्हें चाहिए। तो 1 और 2 टीस्पून मैं तकरीबन इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूं। वैसे इसका जो बीफ का और आटे का कॉम्बिनेशन इतना मजे का है कि स्पाइसेस इसमें आप अपने हिसाब से भी डालें तो बस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुटी हुई मिर्च डाल रही हूं तकरीबन। ठीक है, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हमने इसमें ऐड किए। ठीक है, ये आ गई हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल, वरना गड़बड़ हो जाए ना। ये आ गया गरम मसाला। गरम मसाला कम ऐड करते हैं। ठीक है, सो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से रख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप क्या कितना स्पाइसी खाया जाता है, बिकॉज वो आपको पता होता है। ठीक है, इसके अंदर हम सॉल्ट अभी ऐड नहीं करेंगे। द रीज़न इज वो इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इसका टेस्ट आता है, दैट इज इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको हम गूंदेंगे सिरके में। वाओ, जबरदस्त। इसको हम सिरके में गूंदेंगे। कैसे खट्टे से स्पाइसी से होने वाले हैं। सबको लगता है सुन के, इसको मैं अभी मिक्स कर रही हूँ, सबको सुन के लगता है कि अगर सिरके में हम इसको कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, बहुत सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं होता क्योंकि हम इसमें यूज कर रहे हैं आटा। आटा आपने देखा होगा घर में अम्मियाँ हमारी करती हैं, अगर किसी सालन में हमारे यहाँ नमक तेज हो गया
वो क्या करती है आटे का बॉल बना के डाल देती है, तो वो ऑलरेडी उससे बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अंदर मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूं। और फिर अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे और आटा अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले इसमें हम वेजीज ऐड करेंगे। आटा सबसे आखिर में जाएगा। ठीक है डन हो गया। आटा इसमें सबसे आखिर में जाएगा। इसमें मैं अभी तकरीबन 1-2 टीस्पून भर के मैं इसमें सिरका डाल दूंगी। ठीक है। रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसको पहले से मैरिनेट करके रख दें बीफ, ठीक है, ताकि जो बीफ है ना वो गल जाए। बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा था तो इसको थोड़ा सा, ताकि जो इसके स्पाइसेस हैं वो कीमे में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट, इसका फ्लेवर आ जाए, तो इसके लिए हमने 2 टीस्पून सिरका ऐड किया। सिरका ऐड किया। ठीक है, डन हो गया। तो ये देखें कितने अभी से ही खुशबू आ रही है क्योंकि स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं। अभी से खुशबू आ रही है, तो सोचे कि जब आटा जाएगा और सारी चीजें जाएंगी तब कितनी खुशबू आएगी, और जब ये फ्राई होंगे तब कितनी खुशबू आएगी, अच्छी सी खुशबू आएगी। ये तकरीबन 3 मीडियम प्याजे थी, तो मैं 3 से थोड़ी कम डाल रही हूँ, किसी ज्यादा ना हो जाए, थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, प्याज को जो है ये फाइन चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से, ताकि जो है जब हम इसके बॉल्स बनाएं और कबाब जब इसके फ्राई करने लगे तो वो निकल के बाहर ना आए। तो एक तरह के ना ये, अगर जब आप खाएंगी, आपने खाए हुए ऑब्वियसली आपको पता होगा, एक तरह के पकोड़ों जैसे बनते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे बनते हैं। कबाब जैसी ना शेप नहीं होती इसके अंदर, तकरीबन 3। वो मैं कहती हूँ ना कि हमारे घर में जो है वो रमजान में पूरा महीना जो है पकौड़े नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे घर में इस तरह की चीजें बनती हैं। तो जब इस तरह की चीजें आपके घर में बन रही हों तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको, ऑनेस्टली। और दिस डिश बिलोंग्स टू द मेमन कम्युनिटी, तो उनकी डिशेस तो होती ही बहुत मजे मजे की हैं। ठीक है। प्याज हमने इसमें मिक्स की है, इसके अंदर जा रहा है फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर। ठीक है। कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया इसमें डाला है हमने। इसके अंदर ये तकरीबन 3-4 हमारे पास हैं हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड। हरी मिर्चें भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपके घर कितना स्पाइस खाया जाता है आप उस हिसाब से आप, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्चों का यूज भी किया है, तो हरी मिर्चें आपको अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से रखनी है। ऐसा ना बहुत ज्यादा तीखा हो जाए तो आप नहीं खा सकते। वैसे इसमें आटा होता है तो तीखा तो बैलेंस हो जाता है, बट बहुत ज्यादा तीखा इसको नहीं बनाना चाहिए। क्या करने वाले हैं, वक्त हुआ है ब्रेक का, तो इसलिए मुझे बता दें कि अब हम क्या करने वाले हैं। बस अब हम डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियंस, इसका ग्रीन वाला पार्ट है। ठीक है। ये इसका ग्रीन पार्ट है, इसका वो पार्ट नहीं है, ऊपर वाला अनियन वाला, ऊपर वाला हटा देंगे। हटा दिया, बस इसको हमने मैरिनेट कर दिया, और बस इसके अंदर बाजरे का आटा जाएगा, सिरका जाएगा, ये गूंदेगा, नमक जाएगा, और बस फ्राई होंगे। ठीक है, डन हो गया। तो यहाँ पे जब तक कीमे में मिक्सिंग हो रही है सब स्पाइसेस की, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, रिवायतों की लज्जत के किचन में मौजूद हैं इरज, जो कि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बना रही हैं। इरज, ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें अनियंस का जो ग्रीन पार्ट था वो ऐड किया था, स्प्रिंग अनियंस। ठीक है, तो मिक्सिंग हो गई है इसकी? जी, मिक्सिंग तकरीबन हो गई है। अच्छा, इसके अंदर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, शो का टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, तो इसको हम रखते हैं थोड़ी देर मैरिनेट करके, ताकि जो फ्लेवर्स है ना वो बीफ के मिंस में एब्जॉर्ब हो जाए। द रीज़न इज़ दैट, बट अभी टाइम नहीं है तो हम फॉरन से करेंगे, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा आप लोग छोड़ दें, ताकि वो अच्छे से उसके अंदर ना बीफ का, आपको भी पता है जो मैरिनेटेड बीफ हो, चिकन हो, कितना मजे का लगता है, जूसी लगता है, और फिर उसको गलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वैसे भी ये कच्चे कीवे के कबाब इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डीप फ्राई होते हैं ऑयल में और ये उसी टाइम पक रहे होते हैं, तो उसको पकने का टाइम नहीं मिलता, तो उसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना। आप इसको देखेंगे कितना कलरफुल सा हो गया है, और इसको अगर हम अभी भी सब नमक डाल के ऐसे ही तल लेना, ये बड़े मजे के बनेंगे। बिल्कुल। तो चलें, अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ठीक है। आटा, आटा ऐड कर रहे हैं। आटा इसके अंदर, अगर मैं 375 ग्राम बीफ ले रही हूँ, मिंस ले रही हूँ, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 250 ग्राम या 200 ग्राम आप इसके अंदर बाजरे का आटा ऐड करें। द रीजन इज, इस जो आपकी क्वांटिटी मिंस की होगी उससे कम क्वांटिटी आप यूज करेंगे इसके अंदर आटे की। ठीक है, डन हो गया। इसके अंदर हम आटा ऐड कर रहे हैं, मतलब ये 1 कप है, तो अभी अच्छा इसकी क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये डीप फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं। क्योंकि आप नॉर्मली भी देखें, जब हम चपली कबाब बना रहे हैं, कोई और से कबाब बना रहे हैं, उसमें अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे आटा, तो या कॉर्नफ्लावर ऐड किया जाता है चपली कबाब में खासतौर पर, या राइस फ्लावर, तो वो बहुत ज़्यादा ना सख्त हो जाते हैं, क्रम्बल होना शुरू हो जाते हैं,
तो इसलिए हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। बस आपने ये देखना है कि आटा जो है इसमें जितना जाएगा कीमा उससे कम होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ये टूटे ना और इसकी बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। अच्छे से हो जाए। मैंने ड्राई मिलाया है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका। अच्छा, आपने जब फर्स्ट टाइम इसको घर पे ट्राई किया था तो क्या वैसे ही बन गए थे या कुछ मुश्किल हुई थी और खाला को फिर से फोन करके कहा था कि ये मसला हो गया मेरे साथ? ये बहुत, आपने भी देखा कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रेसिपी, और हम ब्रेक पे भी, हमने ब्रेक में भी कुछ नहीं किया। इसका ये है कि ट्रिकी, इसको सिर्फ तलना थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजरे और उसकी क्वांटिटी तो आपने पहली बार में जब इसको ट्राई किया तो सही हो गया था आपके साथ या कुछ? सच सच बताइएगा। नहीं नहीं, हो गया था क्योंकि मम्मा साथ होती है, मैं कुछ भी कर रही हूँ। आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। सो होता ये है कि मैं किचन में जाती हुई हूँ ना, मम्मी मम्मा की आवाज़ आना शुरू जाती है, इराज क्या कर रही हो? तो साथ साथ थी मेरे। सही, तो आपको पता है जहाँ अगर मम्मा साथ हूँ वहाँ तो कोई चीज़ बिगड़ती नहीं है। हो सकता, और वैसे भी अगर कुछ हो रहा होता है तो अम्मी आती है तो वो कहती है ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, लाओ मैं करके दूँ, तुम्हें तो आता ही नहीं है। वो मम्मा को होता है ना, जब स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब ये होता है मैं ऑफिस अगर घर भी जाऊँ तो मम्मा का कभी कभी होता है, फ़ोन आ रहा होता है, इरज आज तुम बना लेना। अच्छा, मतलब इरज इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि मम्मा कहती हैं कि इरज आज तुम देख लेना, तुम बना लेना। बेसिकली मम्मा के फ्लेवर्स होते हैं ट्रेडिशनल, मैं ज़्यादातर कुक करती हूँ कॉन्टिनेंटल हो गया या बाहर। अब मेरा होता है मैं बाहर कहीं खाना खाती हूँ ना, जब आपको अपने हाथ का मज़ा खाने का लग जाए तो आपको ये होता है यार ये तो मैं घर में भी बना सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दिल नहीं चाहता पैसे देने का, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ें तो इतने में आके और बन जाएंगे, वैसे इतनी महंगाई हो गई है कि बाहर से चीज़ें लेके बंदा खाता है तो कहता है कि भाई ये तुम घर में अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको अच्छे से खाना बनाना आता हो और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसी के अंदर आप कुछ ना तैयार कर लेते हैं। और जब आप खुद बनाने लगते हैं ना, स्टार्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा मेजरिंग स्पूंस का इस्तेमाल करती थी, मेरे साथ होता था यार मेजर कर लूँ कुछ ख़राब ना हो जाए। नमक मैं मम्मा से डलवाती थी कि मम्मा नहीं आप डाल के देंगी नमक। सो लेकिन अब ऐसा हो गया है, आई बॉल करके हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, ये हो गया इरज, इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे अच्छी सी मिक्सिंग करके, राइट? सिरका जाएगा। जनाब अगर किसी से रेसिपी मिस हो गई और वो बैठ के सोच रहा है कि क्या करें, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाएं रेसिपी कार्ड का रिव्यू करें और जल्दी से वापस आ जाएं। बाजरे के कबाब, अज्जा, बाजरे का आटा 250 ग्राम, कीमा 350 ग्राम, प्याज 2 अदद, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए, हरी प्याज 2 अदद, बीफ के कीमे में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें बाजरे का आटा शामिल करेंगे और सिरका, दही और तेल से गूंद लेंगे। जब आटा तैयार हो जाए तो इसको डीप फ्राई कर लेंगे, हरी प्याज और इमली की चटनी के साथ पेश करेंगे। मजेदार बाजरे के कबाब तैयार हैं। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। जिनसे रेसिपी मिस हो गई थी, आई एम श्योर उन्होंने भी नोट डाउन कर ली होगी। इसी के साथ ही वो कबाब जिनका मैरिनेशन हमने तैयार किया था उनको हमने डीप फ्राई कर लिया है। अच्छा, डीप फ्राई करने का जो तरीका है इरज, वो थोड़ा सा बता दें हमारे नाज़रीन को, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, बॉल्स शेप में, कोफ्ते की शेप में हमने इसको बनाया है। द रीज़न इज़ कोफ्ते की शेप में बनाने का कि हमारे साथ ये होता है, ये कोफ्ते की शेप है क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये जो यहाँ पे हमारे पास तले हुए भी रखे हैं ना, इनके आप देख सकते हैं कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कीमा होता है और वो जब डीप फ्राई होता है तो ऑब्वियसली कीमा उसी के अंदर कुक होता है। इसको ऑयल बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद, इसके छोटे छोटे से बॉल्स जो हम कोफ्ते में बनाते हैं वो बनाने के बाद इसको गर्म तेल में हम डाल देंगे और इसमें चमचा नहीं चलाना। अगर आप चमचा चलाएंगे ये टूट जाएंगे, तो जब तक ये एक साइड से अच्छे से कुक नहीं हो जाते इसको टर्न नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे कि हम कोफ्तों में भी होता है, कोफ्तों में कहा जाता है कि आपको फ्लिप करना है, अपने चम्मच नहीं चलाना, कोफ्तों का भी होता है वो भी टूट जाते हैं, कच्चे कीमे के होते हैं ना ये। अभी इसके अंदर मैंने तकरीबन 6-7 डाले। अच्छा, इरज हमने जब रेसिपी कार्ड के रिव्यू पे गए थे, इसका मैरिनेशन तैयार किया था, तो हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था। हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया था और ये थोड़े से हमारे ना ज़्यादा सख्त हो रहे थे, इसको थोड़े से सॉफ्ट करने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड किया था, तकरीबन आधा पाव से कम,
और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। आपने देखा होगा घर में भी क्या होता है, जब शामी कबाब बन रहा है, कोई भी कबाब बन रहा है, उसके अंदर अम्मियाँ बोलती हैं थोड़ा सा ऑयल डाल दो, आटा गुन रहा है ऑयल डाल दो, सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड किया। इसको हमने अच्छे से गूंद लिया था, जैसे आटे को गूंदते हैं, और उसके अंदर दही और ऑयल हमने डाल दिया था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा इरेज, ये हो गए हैं, दिखा सकते हैं हम हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि जी ये सख्त सख्त हो गए। अभी मैंने इसमें चम्मच चलाया, ये टूटे नहीं है बिल्कुल, तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसको अनटच्ड छोड़ा था। ये मुझे दिखाएं जरा, मैं देखूं इसका शेप जो है वो भी बहुत मजे का है, शेप भी खराब नहीं हुआ। इसको थोड़ी देर है और ना, थोड़ी सी देर है क्योंकि अंदर से कुक हो जाए ना ये कच्चे कीमे के कबाब, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ऑयल बहुत ज्यादा अगर आप गर्म कर लेंगे तो ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए, अंदर से भी इसको कुक होना है, तो उसके लिए आप इसको बहुत ही ऑयल को अच्छे से गर्म करके, चूल्हे को बिल्कुल कम करके, एंड देन इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है। ये इसकी जो है ट्रिक है, टिप समझ लें, कुछ भी समझ लें, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हमें भाई टूट गए थे सारे, जैसे ये क्या करना चाहिए? होते हैं कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, ये भी उसी तरह हैं, तो क्योंकि हमने कच्चा कीमा डाला है और फिर ऊपर से बाजरे का आटा। इसको खाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं साथ में? इसके साथ बेसिकली ये स्नैक के तौर पे यूज होता है, एक तरह के पकोड़े हैं। मैं बोले तो इसको बाजरे के कबाब जाते हैं, खाला को जब उन्होंने मुझे खिलाया था आई वाज लाइक ये पकोड़े हैं, कबाब नहीं है। अच्छा, तो इसके साथ आप चटनी ले सकते हैं, इसके साथ इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, हमारे इमली की चटनी सर्व होती है, वरना खजूर की चटनी होती है खट्टी मीठी वाली, या फिर आप ग्रीन चटनी जो आपकी फेवरेट हो, केचप के साथ खाए जाते हैं, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। हमने पहले एक टेस्ट किया था, तो ये आप देख सकते हैं अंदर से कच्चा था। आपने इसको टेस्ट किया था ना, आप टेस्ट कर रही थी तो मैंने कहा था कि आप ऑन कैमरा इसको टेस्ट कीजिएगा, बताएं कि कैसा है, वो तो आप बताएं। मैंने तो टेस्ट कर लिया है, मैं भी इसको टेस्ट कर लेती हूँ, आप भी थोड़ा सा टेस्ट कर लें, तो बताते हैं कि कितने ही मज़े से क्रिस्पी से ये कबाब जो हैं ये बने हुए हैं, एक क्रिस्पी सा टेक्सचर आ रहा है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आ रही होगी, तो आपको आवाज़ ही आ सकती है जब खाना है इसको, तो घर में आपको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। प्याज जो है इसके अंदर हमने डाली है, तो आप सोचे कि वो प्याज का भी बहुत ही मज़े का, वो भी क्रिस्पी सी हो गई, और आपको पता है जब क्रिस्पी हो जाती है प्याज तो कितनी मज़े की लगती है। प्याज है इसके अंदर, ग्रीन अनियंस हैं इसके अंदर। अच्छा, शो के टाइम चूँकि ख़त्म है, मैं चाह रही हूँ कि हम निकाल के दिखा दें हमारे नाज़रीन को। दिखा दें, ओके, निकाल लेते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त, कितने मज़े की इसकी शक्ल आई है। मुझे लग रहा है कि हमने चूंकि पहले चमचा हिला दिया था उसमें, तो थोड़ा सा या ऑयल गर्म नहीं हुआ था ठीक से, तो उसकी शेप में मसला आ गया था। इरज, ये आप जो है इसमें उस प्लेटर में, मैं इसको रख देती हूँ, मैं इसको रखती हूँ, आप ये इसको फ्राई करने के लिए रख दें इन बाकियों को। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं नाज़रीन कितनी मज़े की असल शक्ल ही ये है, आप देख सकते हैं। अगर ऐसी शक्ल भी हो जाती है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑयल आपका ठीक से गर्म नहीं हुआ है, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इस तरह की शक्ल, इस तरह का डार्क ब्राउन कलर आएगा, इसका कलर भी ऐसा आएगा और शक्ल भी ऐसी आ जाएगी। तो मज़ेदार से कबाब जो हैं वो हमारे पास तैयार हैं। आपको हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा? आपके प्रोग्राम में आके आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आप लोग एक ऐसा शो लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आप जो हमारी कल्चरल डिशेज़ हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, उनको सामने ला रहे हैं। बिकॉज अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि बाजरे के कबाब क्या हैं, बिल्कुल नाम हम लेंगे, दे विल बी लाइक ये क्या होता है, ये क्या होता है। हाँ, सो आप लोग वो जो एक हमारे हिडन जेम्स है ना, ये एक जेम्स की तरह है। हमारा फूड, हमारा कल्चर बहुत रिच है फूड के मामले में, दूसरे मामलों में म्यूजिक हो गया, तो फूड को आप इस तरह से यूथ तक लेके जा रहे हैं, और डिफरेंट हम पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान टेलीविजन पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो आप इसको वर्ल्ड वाइड हमारी रेसिपीज को आप लोग पहुंचा रहे हैं। सो आई ट्रूली अप्रिशिएटेड, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई, और आप जैसे एक्सपर्ट्स जब यहाँ आकर ऐसी रेसिपीज बनाते हैं तो हमारे जो देखने वाले हैं, जो खवातीन हैं जो इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हुए, उनको डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, वैसा टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी। तो देख लें, जब इरज बना सकती हैं तो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। इरज, मैं उसको देख लेती हूँ, आप इसकी गार्निशिंग कर दें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो आप ये है कि इसकी गार्निशिंग करके दिखा दें। थैंक यू सो मच, आपने इसको डिश आउट कर दिया, मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन से।
आप इसके ऊपर धनिया भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। जी जनाब, तो देख सकते हैं कि कबाब मज़ेदार से यहाँ तैयार है। इसको हमने सजा भी लिया है ताकि देखने में भी मज़ीद खूबसूरत हो जाए। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाएंगे तो फिर दोबारा नए प्रोग्राम में आएंगे, आपके पास हाज़िर होंगे एक नए शेफ़ के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।